हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास नाइन्थ इंग्लिश में द स्नेक एंड द मिरर के क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 से 40 वर्ड्स। तो सारे क्वेश्चन को आपको पेयर में डिस्कस करना है और इनके आंसर्स को 30 से 40 वर्ड्स में एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, यह जाना पहचाना आवाज़ था। What sound did the doctor hear? डॉक्टर ने कौन सा आवाज़ सुना था? What did he think it was? उसने क्या सोचा ये क्या था? How many times did he hear it? उन्होंने इसको कितनी बार सुना था? Find the places in the text. इसको चैप्टर से हमको काउंट करना है। When and why did the sound stop? कब और कैसे जो आवाज़ है वो बंद हो गया। अब इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, डॉक्टर ने जो आवाज़ सुना था ना, वो चूहों का आवाज़ था। उसी को आंसर में हमको लिखना है, द डॉक्टर हर्ड द फेमिलियर साउंड ऑफ द रेट्स। इसके सेकेंड के आंसर में लिखेंगे कि उन्होंने सोचा कि ये जो है रेगुलर जो चूहों के आने जाने की आवाज़ है ना, वही है। ही थॉट्स इट वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। और इसको उन्होंने चार बार सुना था। इसके बाद के आंसर में लिखेंगे, ही हर्ड इट 4 टाइम्स। अब ये आवाज़ कब और कैसे बंद होता है? जब वो सांप है उनके चेयर पे गिर जाता है तो ये आवाज़ बंद हो जाता है। इसको आंसर में लिखेंगे, द साउंड्स स्टॉप्ड व्हेन द स्नेक फेल ऑन द चेयर। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से दो बहुत महत्वपूर्ण और पृथ्वी के हिलाने वाले निर्णय डॉक्टर ने लिए हैं जब वो मिरर को देख रहे थे, माने दर्पण में अपने आप को देख रहे थे तब? तो हमको मालूम है उन्होंने फैसला किया था कि वो अब डेली सेव करेंगे और एक बहुत ही थीन मस्टक जो होता है, मूछें जो होती हैं उसको बढ़ाएंगे ताकि वो हैंडसम दिख सकें और हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान अपने चेहरे पे बना के रखेंगे। तो इसी को इस कैंसर में हमको लिखना है, ही डिसाइडेड ही वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टक टू लुक मोर हैंडसम एंड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। अब इसमें क्वेश्चन थर्ड है, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि मैंने मिरर को देखा और मुस्काया। अ लिटिल लेटर ही सेज, कुछ देर बाद उसने कहा, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। वो अपने खतरे को भूल चुके थे और खुद पर बहुत ही दुर्बलता से हंस रहे थे। व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन, तो डॉक्टर का जो विचार है वो अपने लिए क्या था जब? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, ही फर्स्ट स्माइल्स एंड सेकेंड है, ही स्माइल्स अगेन। इन वाट वे डू हिज थाट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, किस प्रकार से उनके विचार जो है ना वो बदले और क्यों इस बीच में उनके विचार ऐसे बदले? तो इसका आंसर लिखेंगे, देखिए, जब डॉक्टर पहली बार मुस्काते हैं तो उनके मुस्काने का अभिप्राय होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हैंडसम समझते रहते हैं। इसको आंसर में लिखेंगे, व्हेन डॉक्टर स्माइल्स फर्स्ट ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी हैंडसम। लेकिन जब वो दूसरी बार हंसते हैं ना तो वो अपने भाग्य पे हंसते रहते हैं। इसको लिखेंगे, बट व्हेन ही स्माइल्स अगेन ही लाफ्स एट हिज डेस्टिनी। अचानक से सांप क्या जाने पे, स्नेक क्या जाने पे उनका जो ये थॉट्स है ना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने आप को मौत के बहुत करीब पाते हैं। तो इसको आंसर में आगे लिखेंगे, हिज थॉट्स चेंज बिकॉज ऑफ द स्नेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन टू अ ह्यूमरस वे। ये जो कहानी है एक डरावनी घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन इसको बहुत ही मजे के अंदाज में बताया गया है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, इसको क्या चीज़ मजाकिया बनाता है? थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इट प्रेजेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी।
हमको सोचना है कि जो कंट्रास्ट माने विरोधाभास प्रस्तुत करता है सपनों में और हकीकत में। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, इनमें से कुछ नीचे लिस्टेड किया गया है। इसके एंसर्स को हमको 60 पैराग्राफ्स में लिखना है। राइट 60 पैराग्राफ्स ऑन ईच ऑफ दिस टू गेट यूर एंसर। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, कि डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति है। मनी पोसेसंस, कितना पैसा उसके पास है और कौन कौन से पोसेसंस यानी बाकी चीज़ें उसके पास हैं। सेकेंड है द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, वो किस प्रकार का आदमी बनना चाहता है। अपीयरेंस एम्बिशन, कि वो कैसा दिखता है और उसका जो उद्देश्य है जीवन का वो कैसा है। तो इसका आंसर लिखेंगे द डॉक्टर इज अ पुअर मैन हु लिव्स इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। डॉक्टर जो है बहुत गरीब आदमी है जो कि एक छोटे से किराए के घर में रहता है। ही हैज 60 रुपीज एलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, उसके पास 60 रुपये हैं और कुछ शर्ट हैं और धोतीज है। He wants to be a handsome person. वो एक handsome व्यक्ति बनना चाहता है। He also wishes to accumulate wealth. और वो धनवान भी बनना चाहता है। अब इसका second का first है the person he wants to marry. वो किस प्रकार की महिला से शादी करना चाहता है। Second है the person he actually marries. और वो हकीकत में किससे शादी करता है। तो इसका answer लिखेंगे द डॉक्टर वॉन्टेड टू मेरी अ रिच फेट वुमेन डॉक्टर। जो डॉक्टर है वो शादी करना चाहता है एक धनवान मोटी महिला डॉक्टर से। सो दैट सी कुडंट रन आफ्टर हिम, ताकि उसके पीछे ना दौड़ पाए। एंड कैच हिम व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक, और उसको पकड़ पाए जब उसने कोई गलती किया हो। द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज अ थिन वुमेन, और जिससे हकीकत में वो शादी करता है एक पतली महिला है। एंड सी कूड रन वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज दौड़ सकती है। इसमें थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, उसके क्या विचार होते हैं जब वो दर्पण को देखता है। सेकेंड हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज क्वाइल्ड अराउंड द आर्म, उसके क्या विचार होते हैं जब सांप उसके हाथों में लपेटा मारे रहता है। द डॉक्टर थॉट हिमसेल्फ टू बी वेरी हैंडसम पर्सन विद एन अट्रैक्टिव स्माइल, डॉक्टर अपने आप को बहुत ही हैंडसम व्यक्ति मानता है जिसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। But he turns to stone image when the snake coils around his arm. वो पत्थर का हो जाता है जब सांप उसके हाथों में लपेटा मार लेता है। Now he calls himself a poor, foolish and stupid doctor. अब अपने आप को एक गरीब और मूर्ख डॉक्टर कहता है।